नमस्कार मित्रों, राजस्थान प्रवासी टीवी में मैं हार्दिक का सेवक आप सभी का स्वागत करती हूँ। राजस्थान प्रवासी टीवी में हम आप लोगों को एक ऐसे ऐसे लोगों की कहानियाँ कहते हैं, या तो ऐसे ऐसे लोगों से हम मिलवाते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके उन्होंने कोई कामयाबी हासिल की। तो इसी हिसाब से हम आज ऐसे ही एक व्यक्ति से मिलेंगे और जानेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ में शुरुआत की। हाँ, मैं राजस्थान में बीकानेर से बिलोंग करता हूँ। मैम, मेरा टेक्सटाइल बिजनेस कलकत्ता में था, बंगाल में। मेरे पिताजी ने शुरू किया था इसको। बिजनेस करीब 85 ईयर्स ओल्ड है। ओके। और 65 से मेरा परचेजिंग सेंटर रहा सूरत। 82 से हमने यहाँ सूरत में बिजनेस स्टार्ट किया। 1991 से इंडस्ट्री शुरू की यहाँ पे। आज टेक्सटाइल में यहाँ से लेके फैब्रिक्स प्रोसेसिंग तक सब हमारे पास यूनिट है। बाकी जाने, ये बिजनेस जो था कलकत्ता में ही ओरिजिनल टेक्सटाइल का हमने शुरू किया था। हमारे पास सब अच्छी मिलों की डीलरशिप थी वहाँ पे। टेक्सटाइल बिजनेस की लाइन हमको विरासत में मिली हमारे पिताजी से। अभी हमारी पूरी फैमिली इसी बिजनेस में लगी हुई है। मेरे भतीजे जो हैं वो कलकत्ता में रहते हैं, अभी भी टेक्सटाइल बिजनेस कलकत्ता में है। छोटा भाई बैंगलोर में, वहाँ बैंगलोर में टेक्सटाइल बिजनेस है। वो बीकानेर की मतलब कुछ खास चीज़ें हैं, फरसान खास करके भुजिया तो बहुत प्रसिद्ध है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? प्रसिद्ध तो यूनिवर्सिटी प्रसिद्ध है, इसमें मैं क्या कहूँगा, जीभ का स्वाद जो है कोई छोड़ नहीं सकता है। ओके। बहुत चीज़ें बीकानेर की प्रसिद्ध है क्योंकि वहाँ की जलवायु क्लाइमेट ऐसी है, वहाँ जैसा स्वाद यहाँ नहीं सकता है। बीकानेर के पापड़ जो है थ्रूआउट द वर्ल्ड चलते हैं, ऐसी मिठाइयाँ वहाँ की जो है, मावे की मिठाइयाँ जो है सब जगह चलती हैं, क्लाइमेट की इफेक्ट है। नारायण जी, आपने मतलब बोला कि आपका कलकत्ता में भी बिजनेस है, तो आपने सूरत में मतलब आपके मतलब पूर्वजों का बिजनेस था कि आपने शुरू किया? सूरत का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया था। आपने स्टार्ट किया 65 से? मैंने स्टार्ट किया था और 82 से यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ है। तो मतलब आपने जब भी बिजनेस स्टार्ट किया तो आपको बहुत सारी स्ट्रगल तो पहले करनी ही पड़ी होगी? स्ट्रगल तो करनी पड़ती है बिजनेस में, बाकी कोऑपरेशन सबका लोकल लोगों का मिलता गया है यहाँ पे। और बिजनेस में स्ट्रगल क्या, लाइफ ही स्ट्रगल है। बिजनेस तो स्ट्रगल, उसमें कहूँ तो कोई खास बात नहीं है। लाइफ अपने आप में एक एम्बिशन था, हमको हमारी लाइन में डेवलप करना है जितना कर सकते हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूँ, मैंने अच्छी जितना एक्सपेक्ट कर सकता था अपनी लाइन का एक्सपेक्ट किया है। नारायण जी, आपने बोला कि मतलब आपके पूर्वजों का ये बिजनेस था कपड़े का, तो मतलब आपकी भी ये बिजनेस में रुचि थी कि मतलब आपको पूर्वजों का था इसलिए आपको आगे बढ़ाना था इसलिए आपने किया? नहीं नहीं, मैं जिससे बहुत छोटा था, स्कूल में पढ़ता तब से अपने बिजनेस में इन्वॉल्व था। हमारी एक तरह से हॉबी थी ये, इंटरटेनमेंट भी था बिजनेस में इन्वॉल्व होने का। इसके हिसाब से मैं खुशी से आया। हमारे पिताजी अकेले थे और मैं ही उनका बड़ा लड़का था। मेरे बड़े भाई साहब थे, बाकी वो एलूफ रहते थे। मेरे को बिजनेस देखना ही था, इसीलिए मैं बिजनेस में इंटरेस्ट से आया। वैसे मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन लॉ किया, बाकी मेरे को प्रोफेशन में जाने का कभी मन नहीं था। मैं बिजनेस में जाने का था, बिजनेस अपने हिसाब से। नारायण जी, आपने मतलब कहा कि आपने सूरत में बिजनेस शुरू किया है, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ी है, वो तो बात फाइनल है, लेकिन आप कुछ बात ऐसे बोलना चाहेंगे जो मतलब राजस्थान से जुड़ी हुई हो, जो आपको आज भी याद आती हो कि मतलब वो हमारी बातें थी जो आपको राजस्थान अभी भी खींच रही है? राजस्थान को तो हम बोल नहीं सकते हैं। कि हमारा नियम था कि सावन और भादो दो महीना बीकानेर में ही रहते थे, राजस्थान में ही रहते थे। बोल नहीं सकते, वहाँ की एक एक बात याद आती है। वहाँ के जो धोरे थे, तालाब जो थे, वहाँ जो मेले लगते थे, सब याद आज भी याद है मेरे। कल जैसे मैं वहाँ था ऐसा ही याद आता है आज। अभी भी मैं राजस्थान जाता हूँ, वहाँ मेरी कोठी है, सब कुछ है वहाँ पे। ठीक है, बिजनेस यहाँ होने से उतना जाना आना नहीं होता है, फिर भी अभी भी लगाव बहुत है, जाने का मन हमेशा रहता है वहाँ। राजस्थान की सब चीज़ याद आती है, बीकानेर की, उसमें कोई भी चीज़ भूला नहीं होगी। नारायण जी, दूसरी बात, सूरत में है इतने सालों से, तो आप कोई संस्था से जुड़े हुए हैं? हमारी जो सामाजिक संस्था है, इनसे सबसे जुड़ा हुआ हूँ। एसोसिएशन हमारे सचिन में जो है उसमें डायरेक्टर हूँ, एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था। मैं ये सबसे एलुफ हो गया हूँ क्योंकि मेरी किसी में रुचि नहीं है। अभी इतना एक्टिव नहीं हूँ, कोई टाइम में बहुत एक्टिव था। इसका प्रमोटर था मेरा, फाउंडर मेंबर था। नारायण जी, दूसरी बात कि आप एक तो इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहे हो, तो मतलब आप फैमिली को टाइम कैसे दे पाते हो और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसको कैसे अलग रख पाते हो?
नहीं, बिजनेस की टाइम अभी बहुत कम हो गई है। बिजनेस में लड़का देखता है, मेन भतीजा देखता है, और दूसरे जो जो एग्जीक्यूटिव है वो देखते हैं। फैमिली को तो टाइम जिस समय देना था उस समय नहीं दे सका, सही बात है, स्ट्रगल की टाइम थी उस समय। क्योंकि अभी मेरे पास समय है, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ आराम से खेलता हूँ। नारायण जी, आप मतलब आपने बोला कि सूरत में आके आपने शुरुआत की, तो राजस्थान की एक बात आज भी मतलब बहुत लोग याद करते कि राजस्थान में बहुत सालों पहले मतलब बहुत सारी कुप्रथाएं होती थी जो आज भी कहीं कहीं जगह पे चल रही है, पूरे राजस्थान में नहीं, लेकिन जो पिछले वर्ग के जो लोग हैं या तो जो लोग वहाँ रहते हैं उनमें आज भी चल रही है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? कुछ आप आइडेंटिफाई करेंगे कुप्रथाएं क्या है, कुछ आइडेंटिफाई करेंगे? हाँ, पहले तो पहली बात बोलूँ तो मतलब वहाँ छोटी उम्र में मतलब जब भी लड़की पैदा होती तभी उसकी शादी तय की जाती है कि हम इसके साथ करेंगे कि उसके साथ करेंगे। अभी तय हो जाता है और फिर शादी छोटी उम्र में करवा देते हैं, तभी सरकार का नियम है कि 18 साल के बाद करवाई जाती है, लेकिन राजस्थान में आज भी कहीं एरियो में 18 साल से पहले करवाई जाती है, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कुरूतियाँ हैं वो तो कुरूती है, ऐसा शुरू से नहीं था, बाकी आज भी जो आप बता रहे हो जिसको आप सुधार या मॉडर्न देश कह रहे हो, पतन की ओर रह जाने वाली है। मेरा विचार आपसे बहुत बिल्कुल अलग रहेगा और आप शायद नाराज भी हो जाएंगे मेरे से। बाकी ये जो हम जो आगे जाने की सोच रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं। आप एक ख्याल करिए बात को, भगवान ने किसी को अपने आप में पूर्ण नहीं बनाया है, वो एक दूसरे का पूरक बनाया है। हाथ का काम पाँव नहीं कर सकता है, पाँव का काम हाथ नहीं कर सकता है, आँख का काम कान नहीं कर सकता है, कान का काम आँख नहीं कर सकता। ऐसे ही सामाजिक व्यवस्था जैसे भी बनाई है ना, एक दूसरे के पूरक बनाई है। अभी जब से ये मेटेरियल एज आ गया है और सबको कैरियर बनाने की हो गई है, फैमिली लाइफ खत्म हो गई, बच्चों को जो संस्कार घर में मिलना चाहिए तो टीवी से मिलने लग गए, और कैसे संस्कार मिलते हैं आप ज़्यादा जानते होंगे, मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ इसमें। टीवी पे जो बातें आ रही है, प्राकृतिक बातें जो आ रही है, और जो चीज़ आप कहते हो जो होने वाली नहीं है उसके लिए इंसिस्ट करते हो तो कभी हो नहीं सकता है। बड़े बड़े संत महात्मा जो हजारों साल तक तपस्या करते थे, उनकी तपस्या भंग हो गई और आज उसको आप करते हैं जब हो नहीं सकता। ये सब जो है हम कहते हैं तो गलत कहते हैं, हमारी जो विचारधारा जो है पुराने जमाने की है, भाई पुराने जमाने की बात जो हम कहते हैं उसको जो उसकी कुरूतियाँ यदि निकाल लें हम तो ओल्ड इज गोल्ड। और मैं आपको एक बताना चाहूँगा, यदि आपको पढ़ाए कि नहीं पढ़ाए पता नहीं है, मैकाले का ब्रिटिश पार्लियामेंट में स्पीच जो है आज भी ब्रिटिश पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में है, आप पढ़ लो, हिंदुस्तान गुलाम बनेगा कैसे बनेगा और कैसे हम उस पर शासन कर सकेंगे, मैकाले ने जो बताया। आपको रुचि होगी तो मैं आपको कॉपी दूंगा उसका, पढ़ो। आज हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं, मैकाले ने जो चाहा था, ब्रिटिश ने जो चाहा था, उसी आधार पे हम चल रहे हैं। और एक बात बता दूँ आपको, प्रणब मुखर्जी अभी NDTV अवार्ड में बोल रहे थे कि 12th सेंचुरी तक तो दुनिया हमको फॉलो करती थी, नालंदा और तक्षशिला का उन्होंने उदाहरण दिया। आज हम बाहर पे जा रहे हैं क्योंकि क्या इम्पोर्टेड चीज़ का हमको क्रेज हो गया है, अच्छा और ख़राब। इस मायने में आप देखोगे राजस्थान का जो इतिहास देखोगे, शायद जौहर बोल के सुना होगा आपने जो ब्रिटिश टाइप ये मुगल शासन में क्या क्या हुआ था, आज पॉसिबल है क्या वो सब? लेकिन वो सब कुछ ही पॉसिबल नहीं है। आन बान की जो बात उस समय होती थी ना, आन बान की कुछ बात नहीं है। और जो इक्वल राइट्स की जो बात हो रही है, अभी कॉलेज में पढ़ने वाले को बोले स्कूल में पढ़ना है तुमको, तो उसके इक्वल राइट की बात हुई कि क्या हुई समझ में नहीं आया। हमारे यहाँ नारी को हमेशा श्रद्धा के रूप में देखा है, शक्ति के रूप में देखा है, अब वो तुमको बराबरी करनी है, कैसे बराबरी, ऊपर से नीचे आने की सोच रहे हो, कैसी बात है? ये सब विचार जो मैं कह रहा हूँ, आपके पास कार्ड तो नहीं है, बाकी इसको इश्यू बनाने की आपके पास ताकत है, ये मैं जानता हूँ। क्योंकि हमारी जो पुरानी जो रीति रिवाज जो थी, संस्कार जो थे, उसी के आधार पे चलते थे। और आज भी आप देख लो, राजस्थान का इतिहास तो भरा हुआ है इन कथाओं से, कहानियों से। और मर जाते थे, सर कटा देते थे, सर झुकाते नहीं थे, नहीं थे। ये सब संस्कारों की बात है, संस्कार कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं संस्कार? संस्कार देने वाले चाहिए। मैं एक आपको और एक इंस्टांस बताता हूँ, इंडिया टुडे में मैंने पढ़ा था, नंदा के लड़के ने BMW के केस में जो केस चल रहा था, BMW तिहाड़ जेल उसको ले जा रहे थे, बेल मिली नहीं थी उसको, उसकी माँ एक कोने में रो रही थी, बोले इसका दोस्त नहीं, दोस्त हमारा है, हमने इसको ऐसे संस्कार दिए। तो ये क्या है, पाश्चात्य सभ्यता का स्वभाव इतना प्रभाव है, उनको पतन की ओर ले जाता है कि हम क्यों आए, इसका उद्देश्य हमको पता नहीं है, हम क्यों आए हैं। मनुष्य एक प्राणी है,
कुत्ते बिल्ली भी एक प्राणी है। हाँ। हम जो मानते हैं, हमारी जो संस्कृति बताती है 84 लाख योनि में एक मनुष्य योनि है। ये विशिष्ट क्यों है, इसका किसी ने विचार किया है? इसका विचार करने से सती की तरह हम पहुँच जाएंगे। ये विशिष्ट क्यों है योनि? 84 लाख योनि में मनुष्य जीवन कहते हैं, ये विशिष्ट क्यों कहते हैं इसको? इस पर आप विचार करो तो आपको सब उत्तर मिल जाएगा। तो मतलब आप आज भी मतलब मानते हो कि मतलब वो जो प्रथा थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जिसमें जो प्रथा थी, हाँ, ये तो समय के साथ साथ में जो है ना भ्रंश रूप होता गया। जातिवाद कभी था नहीं हमारे यहाँ। हाँ। कुछ कभी भी नहीं था। आपने शायद रामायण महाभारत पढ़ा होगा। सबरी जो थी वो कौन सी जाति? भील जाति की थी। हाँ। और राम जी ने उसके झूठे बेर खाए थे। तो हमारे ये सब तो थी नहीं, ये तो प्रकृति की बात है। आप जो जैसे अभी मैंने बताया ना, जैसे आज कोई भी चीज को आप इशू बना देते हो ना, वैसे ही इशू बने हुए हैं। ओके, ऐसा एक नहीं, मैं आप बोलो कितने उदाहरण दे दूंगा आपको। रामायण का उदाहरण है, महाभारत में ऐसे मिल जाएंगे। विदुर कौन सी जाति के थे? विदुर नीति आज भी चलती है, चाणक्य नीति को सब मानते हैं। तो ये सब बातें जो कुरुति जो उसकी आप अलग कर दो बात, वो तो समय के साथ में इन लोगों ने अपने स्वार्थ से कर दिया है। जैसे हमारे यहाँ कभी नहीं था कि कोई संत महात्मा जो अपना साम्राज्य बनाएगा, ऐसा कभी नहीं था। ठीक है, अभी जब से टीवी आ गया है, सबका कमर्शियलाइजेशन हो गया है, धर्म का भी कमर्शियलाइजेशन हो गया है। बाबा महाराज आते हैं, ये पी लो तो ये हो जाएगा, ये काम नहीं करो तो ये अंधविश्वास है। तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, इसमें कुछ कहने का नहीं है। मैं कहता हूँ कुरुति जो थी वो उसको निकाल दें तो हमारी संस्कृति जो है उसके मुकाबले की कोई संस्कृति नहीं है। और एक आपको बताना चाहता हूँ, स्वामी विवेकानंद को हमने पढ़ा था, शिकागो गए हुए थे, कहीं से निकल रहे थे तो अमेरिकन दो जा रहे थे, कहा कि इंडियन मॉन्क इज गोइंग, खड़े हो गए। तो उन्होंने समझा ये हमारी बात सुन लिया है, तो उन्होंने वापस बुलाया, बोला जेंटी तुम्हारे यहाँ जेंटलमैन टेलर बनाते हैं, हमारे यहाँ जेंटलमैन संस्कार बनाते हैं, समझ में आ गया तुमको? चुपचाप चला गया। नरेंद्र जी, तो फिर आप अपने बारे में कुछ बताइए। अपने बारे में क्या बताऊँ, आपके शौक, आपके हॉबीज़? हॉबीज़ तो मेरी विशेष हॉबी कुछ नहीं, ऐसे मेरी सभी चीज़ की हॉबी थी, गेम्स में सभी थी। हाँ। क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी सभी खेलता था। अभी वर्तमान में हॉबी कुछ भी नहीं है, अध्यात्म में जितना समय दे सकता हूँ उतना देने की चेष्टा करता हूँ। नारायण जी, आप आज की जो युवा पीढ़ी है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? हमारी संस्कृति का आधार है कृतज्ञता, और हमारे माता पिता और गुरु के प्रति पहले ऋण रहता है। उससे ऋण कैसे हुए, उनको वृद्धाश्रम में जाना नहीं पड़े, इसका हम ध्यान रखें, और उनके ऋण नहीं रहे, उनके ऋण से मुक्त हो जाएं, और अपना भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपना जीवन और आचरण बनाए। तो मित्रों, हम आज मिले नारायण जी से, उनसे जानिए उनकी बहुत सारी बातें, वो क्या सोचते हैं, उन्होंने कैसे अपनी लाइफ की शुरुआत की। तो इसी तरह से हम आज का ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं। दूसरी बार ऐसे ही एक महाव्यक्ति से मिलेंगे और उनसे जानेंगे उनके लिए।